मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दीपावली के पहले मार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने हाथापाई की और जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में नगर पालिका कर्मचारी होने से दुकानदारों के हौसले पस्त हो गए। सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों पर दुकानदारों के शेड लगाकर रोड पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया तो नगर पालिका की टीम विष्टान रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। एक दुकान के सामने रोड पर बाहर आ रहे छज्जे को हटाने जेसीबी और टीम जब पहुंची तो एक दुकानदार से कहा सुनी करते हुए नगर पालिका अतिक्रमण हटाओ दल के बीच पहुंच गया और कर्मचारियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इससे गुस्साए सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों ने दुकानदार को पीट दिया। दोनों तरफ से एक दूसरे की पिटाई होती रही। आखिरकार नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाया। बाद में सीएमओ निशिकांत शुक्ला ने पुलिस को सूचना देकर 6 से अधिक जवान बुलाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ दुकानदारों ने नगर पालिका कर्मचारी साथ में टीम के साथ में हाथापाई भी किया। देखिए अभी आप देख रहे हैं त्योहारों का समय चल रहा है और काफी ज्यादा आवागमन में परेशानी हो रही है और प्रायः दुकानदार जो है अपना सामान दुकान का सड़क पर रख देते हैं और उसके बाद फिर लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं जिसके चलते आवागमन में परेशानी तो होती ही है और दुर्घटनाएं भी कारित होती है। इसी के चलते नगर पालिका ने जो है वो सार्वजनिक स्थान पर और मार्गों पर जो सामान रखा है उसको हटाने की मुहिम प्रारंभ की थी और किसी दुकानदार ने जो है इस संबंध में नगर पालिका के हमले के साथ में जो है वो हाथापाई की, गाली गलौज किया और मारपीट भी की और इस प्रकार से उनके द्वारा जो है कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है। हालांकि हमने अभी इस संबंध में कोई एफआईआर या दर्ज नहीं की है, मामला अभी संज्ञान में है और हम इसका इन्वेस्टिगेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।